शॉपिंग पे जाना है हम लोगों ने और इस बंदे ने वही टाइम कर दिया। मतलब आप 4 बजे की बोली निकलो 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 और अभी फिर 7 बज चुके हैं। मुझे यही लग रहा है कि शटर फिर गिरे हुए मिलेंगे। मेरी बेटी को मत कोई, वो जो उसे जो चाहिए वो मिलेगा। ये गलत आदत होती है, बड़े होके भी ना वो यही कहते हैं कि दूसरे का नसीब भी खींचो। पापा की परी, वैसे भी तुम पापा की परी हो, भर लगा के उड़ना है तुमने। यहाँ पे इस लड़के ने ना इसने तबाही मचाई। नेक्स्ट टाइम इसे घर छोड़ के आऊंगी, साथ में तुम्हें भी, तुम्हारे पास तो मैं भी घर छोड़ाऊंगी। देखो गाइस, यहाँ पे इस बंदे का पसीना चेक करो, ये लोग खून पसीना है करके हमारे लिए कमा के लेके आते हैं। बाहर इतनी गर्मी है, उसके अंदर भी ये लोग जा रहे हैं अपने काम पे। ये रस्सियाँ, वो हमारे नन्हे मियाँ के गर्दन में इस तरह से फंदा बन गया था। यहाँ पे अब्बा के पाँव में लिपट गया, वो कह रहा है हमें लेके जाओ बाबा। अस्सलाम वालेकुम जी, क्या हाल है? उम्मीद आप लोग सारे ठीक ठाक होंगे। आप भी सलाम करो जरा। तो गाइस अस्सलाम वालेकुम, मेरी तरफ से भी और वेलकम हो गया आप लोगों का हमारे एक और ब्रांड न्यू व्लॉग के अंदर। नन्हे मियां का भी ऐसे आऊं तो सीन आपको थोड़ा सा ऐसे बताए, कल क्या हुआ? कल ना जो हमारा ये तकी बाबा है ना, नन्हे मियां, जो इसके पाँव के ऊपर ना बहुत बड़ा जो सिल बट्टा होता है ना, इतना कम से कम मेरे ख्याल से 8-10 kg का होगा। ये उसके साथ खेल रहा था, हाँ, और ये उसके साथ खेल रहा था तो अचानक इसके पाँव के ऊपर गिर जाता है। तो मुझे कॉल की जाती है कि रो रहा है वो काफी टाइम से, 1-2 घंटे तक भी रो रहा था। तो मैं ये समझ रहा था हदान हास्ता इसकी कोई हड्डी वगैरह फ्रैक्चर ना हो गई हो, लेकिन अल्लाह का शुक्र है हमने एक मेडिकल वाले को चेक करवाया, उसने देखा कहा कैसे इसके ऊपर ना कोई बाम वगैरह ठीक है मल दो, ये इसके दर्द का सिरप ला दो, अगर सुबह तक ये चलने स्टार्ट हो गया तो इट्स ओके, नहीं हुआ तो फिर इसका एक्सरे वगैरह करवाना। लेकिन अल्लाह का शुक्र है, जितना अल्लाह का शुक्र अदा करे उतना कम है। मेरे नन्हे मियाँ को अल्लाह ताला ने ठीक है तंदुरुस्ती और सेहत अदा की है, शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह। उसकी हड्डी की कोई मसला मसल नहीं बना। अभी हम लोगों ने जाना किधर है? शॉपिंग पे। अजीजा के तो 3 सूट हो चुके हैं अभी अभी, अब फातिमा के बताती है। शॉपिंग पे जाना है हम लोगों ने और इस बंदे ने वही टाइम कर दिया। मतलब आप 4 बजे की बोली निकलो 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 और अभी फिर 7 बज चुके हैं। मुझे यही लग रहा है कि शटर फिर गिरे हुए मिलेंगे। ऐसी कोई बात नहीं गाइस, अभी 7 भी नहीं बजे, टाइम चेक करो, 7 बजने में भी 10 मिनट बाकी है। 10 मिनट को मत गिने आप लोग। तो पता क्या, यकीन करे दिन में ना बहुत ज्यादा गर्मी थी, तो इतनी गर्मी में हजम हो जाएगा। शॉपिंग करनी थी हमने, कौन सा सड़क पर जो भी इतनी गर्मी में हजम होते हैं भाई, इतनी गर्मी में हजम। उस दिन हमने जब चुक रहे हैं, उस दिन हम लोगों ने किया ना थोड़ी हिम्मत मारी तो देखो 3 सूट इकट्ठे हुए। मेरा तो बारह बड़ा शॉर्ट हुआ भाई। चलो इजी होते, चलो चलते हैं, नहीं इजी होने तो ना हो, चलो चलो फिर अम्मा के घर। नहीं मैं अम्मा के घर जाती, आपको भेज दूंगी। नहीं इजी नहीं होना, तो अम्मा के घर जाओ, ठीक। मैं नहीं जाती, इधर रहना तो इजी होके रहना पड़ेगा। आप लोग रखो, लेडीज क्यों अपने घर से जाए भाई, हम लोग सजाते हैं घर को, सब कुछ करते हैं, साफ सुथरा हम लोग रखते हैं, तो हम ही उठ के चले जाए क्यों भाई। ये बड़ी अच्छी बात कही आप जी। जी आप भी सुनाओ बाबा। ओ माई गॉड, तो पहनो आप, खुद भी पहन सकते हैं। मैं कहां तुम ये लगा के जा रही हो? तो चलो वाह, चश्मा कहाँ बेटा? बेटा चश्मा आंखों पे लगाओ ना। तो चलो गाइस अभी ठीक है, हम लोग निकलते हैं शॉपिंग पे। अभी ये बंदी नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर दो, वीडियो पसंद आए तो लाइक कर देना। मेरे नन्हे मियां को तो चेक लगा के दिखाओ जरा, ये बोलेगा दूसरा लगा ले, लगाओ जरा ये देखो जी, ये तो शहरी बाबू बन गया जी, माशाल्लाह लग रहे हो। अभी यहाँ बाजी ने यहाँ पे जाना, भाइयों के साथ फटा लग के ले लिया है जी, उसके मुंह से बड़ा लग रहा है। मेरा नहीं होने लगा था, तुम्हारे बच्चों का होने लगा था, मैं घर पे छोड़ के जाती हूँ। हाँ वो जंग क्या थी मैं आप लोगों को बता देती हूँ। चश्मा ये वाला मुस्तफा ने पहना हुआ था, तो अभी बाजी ने कहा नहीं मुस्तफा उतारे, तकी का है, तो उसने आपका, अगर ये तकी का भी है तो तकी ने क्या जो है वो अभिया के नाम कर दिया है, हैं? तो गाइस ये चमचड़ी की है ना, ये बड़ी नाचड़ी। मेरी बेटी को कोई मत कुछ बोले, मैं बता रहा हूँ आपको। ये पापा की परी उड़ती उड़ती यानी परी रखी। मेरी बेटी को मत कोई, वो जो उसे जो चाहिए वो मिलेगा। ये गलत आदत होती है, बड़े होके भी ना वो यही कहते हैं कि दूसरे का नसीब भी खींचो, ऐसे बहुत बुरी आदत होती है। मैं इस आदत के खिलाफ हूँ, ठीक है ना। ये पापा जो है ना अपनी परी को बिगाड़ने के चक्कर में लगे हुए, बेटे मेरे ऐसा नहीं चलेगा। देखो भी, देखो इसमें कितना अच्छा लुक लग रहा है। वो मेरा जो है ना शरीफ बच्चा, वो शरीफ बच्चा हर जगह जो है ना कॉम्प्रोमाइज कर लेता है, क्या चीज के ऊपर, क्या हर चीज के ऊपर कॉम्प्रोमाइज किया था, मगर इनकी बेटी नहीं करती, बिल्कुल नहीं करती। चलो आ जाओ जल्दी से, हाँ गंदी बच्ची हुई है ना, इसको मैं सेटिंग करती हूँ, इसकी भी, इसके अब्बा की भी सेटिंग करती, ठीक है ना। हम दोनों बाप बेटे की सेटिंग करते हैं। तो गाइस इनको समझ नहीं आई, अच्छी बात है, चलो चलते हैं हम लोग मॉल की तरफ। ये देखो अंधेरा डलना स्टार्ट हो गया, देखो सूरज गुरूब हो रहा है। Few minutes later. चलो गाइस हम लोग आ गए हैं, अभी हम कहाँ आ गए हैं, मॉल में आ गए हैं, चलो देखते हैं कुछ मिलता है कि नहीं मिलता। मॉल की जो है ना शॉप्स वालों के मेन एक ही रोना होता है कि अभी हमारे डिजाइन कॉपी हो जाएंगे, ब्रांडों को इतनी फिक्र नहीं होती। आप ब्रांड्स में जाके आप इस तरह छुप छुपा के ब्लॉगिंग कर लो, मसला नहीं होता, सामने भी कर लो तो अभी मसला नहीं होता, मगर ये कि यहाँ पे एक ही टेंशन होती है कि भाई हमारे डिजाइन कॉपी हो जाएंगे। चलो देखते हैं कहाँ पे हमें क्या मिलता है। गाइस नन्हे मियाँ को यहाँ पे गाड़ियाँ नजर आ गई, मुझे लग रहा है कि खराब है, ठीक है 100 रुपए की
है 100 रुपए जेब में, जेब में 100 रुपए है, इसको भी अकाउंट में भेजो। ऑनलाइन कर देगा नहीं, नहीं नहीं देख लो, उम्मीद है मेरे पास। तो चलो एक दफा जो है ना इसको नन्हे मियाँ को तो दिलाओ, आपने वो छोटे बच्चों के, बहुत छोटे बेबी के। तो चलो जी यहाँ पे अकड़ गए, ये कह रहे हैं हमने लेना है। चलो आप छोटी नहीं हो, आपके जितना नहीं है वो। अबिया बाजी अबिया बाजी रोने शुरू हो गए। अच्छा सबर करो, देखते हैं, वखरा पंगा पै गया है। अबिया बाजी कह रही है मैंने भी लेना है। अपनी अपने कद देख लो तुम लोग, अल्लाह के बंदे, वो चुन्नी सी गाड़ी देख लो, ये 1 से 2 साल वाले बच्चों की गाड़ी है, 5-6-7 वाले बच्चों की गाड़ी नहीं है, तब लोग नहीं मिलेगा। कोई शर्म खा जो नहीं बेटा, देख लो और कुछ देखने लकी बन जाएंगे तो फिर वहाँ से आप ले लो। हाँ हमारा लौंडा गायब हो गया, चला झूला लेने के लिए, झूला लेने गया। बाजी का मुंह बन गया, बाजी जो कपड़े लोगी वो ले लेना। यहाँ पे देखो लो, ये देखो ये जीना मरना हमसे खत्म कर दिए सड़की। चलो वापस चलो, हम कोई नहीं यहाँ पे जाना दिला रहे। वो रोने पिटने लग गए, वहाँ देखो उसको लगे मैं किडनैप हो क्या क्या औलादे हैं माशाल्लाह तुम्हारे पास, हमारे बिना गया ना। चलो वो तो रोना पिटने लग गया, चुप कर जाएगा, देख ले अभी चुप कर, उसको लगा अम्मा अब्बा गायब हो गए। छोड़ दो, जबरदस्त कलेक्शन है। और ये जाना ये नन्ना पटाखा, ये इतना शोर कर रहा है, ये देखो एक चीख ऐसी मारता है कि बंदे के कान के अंदर जाना सुराख हो जाए। चलो जी हम लोगों ने ना अभी के लिए कपड़े ले लिए, मगर उन्होंने अभी टेलर को दिए कि भैया स्लीव वगैरह लगा दो। पापा की परी, वैसे भी तुम पापा की परी हो, भर लगा के उड़ना है तुमने। इधर ये लेके दिया था तुम्हें, चलो आ जाओ। तो गाइस अभी हम लोग किसी और मॉल की तरफ जा रहे हैं, यहाँ से हमारा काम डन हो गया। अभी हम देखते हैं आगे फर्दर कहाँ जाना है। चलो ना लकी वन जाना। हेलो मियाँ साहब कहाँ जा रहे हो? साथ में जो है ना वो एक और मॉल है, उधर की तरफ चलेंगे, वहाँ पे देखेंगे कोई चीज़ हमारे काम की है या नहीं। क्योंकि मैं बकरा ईद से पहले पहले ये शादी की शॉपिंग में भेजना चाह रही हूँ, ताकि सुकून से जो है इंशाल्लाह ताला कुर्बानी हो। अच्छा यहाँ पे बिलाल साहब अपनी शॉपिंग कर रहे हैं, अपना देख रहे हैं कि भाई कोट शॉर्ट फिट आते हैं इनको कि नहीं आते हैं। नहीं सही आ रहा, फिटिंग करवा देंगे। हाँ जी हाँ जी, एक तो ना इस तूफान ने तबाही मचाई है। ये देखो कितना मासूम लग रहा है ना, है नहीं है। तो गाइस इधर बेगम साहब को जूता पसंद आ चुके हैं, डन है। बात सुनो उसे रहने दो, ये अच्छी लग रही है। हाँ ये वाली जूता ये वाला अच्छा लग रहा है, इसका ये करवा दीजिएगा, ठीक है। अच्छा दूसरी कहाँ से लेनी है? दूसरी भी देखूंगी आगे को, ब्रांड ना स्टाइल हो देखूंगा और को देखूंगी। इस ब्रांड की पहले नहीं, नहीं मैंने पहले नहीं ली इसकी, मगर मैंने देखी है। सर बच्चियों के चाहिए वो आपके पास है नहीं? चलो कोई नहीं, बच्चियों का ये करवा दो, एक ना कार्ड दो, कार्ड दे। कितने जूते लोगे? मेरा एक है, दो और लूंगी। हाँ हाँ जी, दो और लूंगी, एक है मेरे पास, दो जूते और। शुक्र करो आप, मैं वो एक चला रही हूँ जो मैंने पिछली शादी की है। मतलब घर की शादी इतना खर्चा बनता है? मतलब ये खर्चा क्या है? तो गाइस ये ना ठीक है, खर्चे पे खर्चा करेंगे। दो जूते और लेगी, तीन नहीं अभी एक और लूंगी ना। सही बस तो मतलब दो जूते, मतलब दो जूते लेगी। हाँ, तो चलो इतना गुजारा कर ही लूंगा। मैंने कहा ये कह रही है तीन जोड़े लिए और तीन ही जूते लूंगी। सही है ना, ठीक है। मियाँ को सही टिका के लूटो, ठीक है। ये तुम लोग के पास ईद के दिन और शादी के दिन होते मियाँ लोग लूटो। और इधर हमारे बच्चे लोग देखो, इन्हें अपना काम पड़ा हुआ है। अभी इधर ही सोने का मूड है तुम्हारा, कह रहे हैं ठंड इधर काफ़ी है, एसी चल रहे हैं, तो इधर ही सोने की ट्राई करते हैं। तो चलो अभी देखते हैं बच्चों को कुछ लेके देना है या नहीं लेके देना। अभी बेगम साहब की शॉपिंग कम्प्लीट करो या बच्चों के करो, कुछ ना कुछ करके जाएंगे। अभी अगर तुम्हारा शॉट हो चुके हैं, तो अगर आप अभी नहीं हो तो जल्दी जाके सब्सक्राइब भी कर दो, वीडियो को लाइक भी कर लो। अच्छा हमको सिखा रहा है यहाँ पे तकदीर ने इतना को तंग किया हुआ, बार बार जाना वो एलिवेटर की तरफ जा रहा है, और हमारी इसी बात पे जाना वो बैंड बजी हुई है कि एलिवेटर में ना बच्चा ना आ गया। तो अभी यहाँ पे जाना हम लोग नन्हे मियाँ के लिए लेने आए हैं। इधर इंटरनेट भी नहीं चल रहा, मैं उसे ना जरा लगा के कार्टून। शाबाश है, नाले पे दहला हो गया, ठीक है ना। मतलब ये हमसे आज कंट्रोल में नहीं आ रहा है, कह रहा भैया हमें छोड़ दो। मुस्तफ़ा साहब आप अपनी छुपन छुपाई खेल रहे हैं यहाँ पे? नहीं नहीं नहीं, कुछ तो खेल रहे हो लड़के। बदतमीज कहाँ गई है मोहतरमा सर। और ना आज बिलाल साहब का भी हम कोशिश करेंगे यहीं से लेने की, क्योंकि ऑफ भी चल रहा है आप लोग देख सकते हो। तो इनको भी कायल करते हैं कि भैया ले लो यहाँ से। यहाँ पे इस लड़के ने ना इसने तबाही मचाई, नेक्स्ट टाइम इसे घर छोड़ के आऊंगी मैं साथ में, तुम्हें भी इसके पास, तुम्हारे पास, तुम्हें भी घर छोड़ आऊंगी। इतने प्यारे प्यारे चार चार हजार के, वाह जी वाह। मगर हम बिलाल साहब को कल लुटवा के गए, क्यों बिलाल साहब है? बिलाल साहब हेलो, लुटने का गम आया हुआ है। तो गाइस ये छोटी सी शॉपिंग हम लोगों ने कर ली है, देखो ये दो तीन चीजें हमने खरीदी हैं। आज जितने आप जिम्मेदार हैं आप लोगों ने फेंक के जाना है, और अब्बा जान से मेरी बिस्ती करवानी है ना। हाँ बिस्ती कर देनी, और एक नन्हे मियाँ इतने तंग कर रहे हैं यार, यकीन करो।
अभी दोबारा से हम लोग उसी मॉल पर आए। ये लो पकड़ लो, घूमी ना कोई चीज़ तो तुम्हारी फैंटी में मैसेज होगा। तो गाय तब दोबारा से हम लोग उसी मॉल पर आए जहाँ से जाना हम लोगों ने अभी यहाँ के कपड़े लिए थे और लेकर हमें स्टिचिंग के लिए मतलब उसकी स्लीव लगवाने के लिए दिए थे। जल्दी हम वो कलेक्ट करते हैं फिर चलते हैं घर की तरफ। 2000 years later. तो गाइस मोह में हो गया, मतलब हम शॉप भूल गए और घूम घूम के फिर वहीं पे आए थे। बार बार घूमते हैं फिर वहीं पे आए थे, मतलब पता ही कोई नहीं कहाँ कौन सी शॉप थी। नहीं तो मैं नहीं पता है, ऐसे लगे हुए हो यार। मुझे पता है, तुम्हें पता है यार? तुम्हें तो कराची का चप्पा चप्पा पता है, ये क्यों नहीं पता है? मुझे नहीं लग रहा मिलने वाली है, मुझे लग रहा है खो गई है शॉप, मॉल बंद हो जाएगा ऐसे लग रहा है। अभी हाँ बाजी जल्दी आ जाए, आपने अलग ही अपना जो है ना वो टूर रखा हुआ होता है। जल्दी करो जल्दी इधर आ जाओ, आपको नहीं लगेगा, जहाँ भी लगेगा आपको नहीं लगेगा। तो चलो जी बिलास साहब जो है ना वो आप ढूंढ रहे हैं और हम भी ढूंढ रहे हैं, घूमते घुमाते हम वहीं पे आए थे जहाँ से हम चले थे। मुझे लग रहा है यहाँ पे मिल जाएगी शॉप, क्या लगता है तुम्हें? तो तुम्हारी औलाद है ना माशाल्लाह। तो गाइस आखिरकार इस बंदे ने वो शॉप ढूंढ ली। हाय हाय देखो अपनी तारीफ अपने मुँह से। खैर कोई बात नहीं, चलो अब देखते हैं हमारे कपड़े रेडी हुए कि नहीं। A few moments later. क्या आ गया मैडम साहब? अब गई हूँ मैं। अच्छा बिलास साहब कौन सा पाकिस्तान बनाने लगे हो यार? नया पाकिस्तान बनाने लगे हो? भाई जो पुराना बना ना उसे ठीक है, जरा ना सीधा पदरा कर रहे हैं। अच्छा जी पहले अपने ना बच्चों को सीधा पदरा कर लो जिन्होंने आज मुझे बहुत तंग किया। इधर खाना फिर आ चुके हैं, भूखी हो जो हमारी ठीक है गाइस। इतना जो है ना बाहर खजल खोरी के बाद घर जाकर खाना नहीं बनता भाई, तो भूखी फौज हमारी फिर रेस्टोरेंट पे आ चुकी है। खाना खाने के बाद फिर घर जाएगी। ये बिलास साहब की जो है ना फेवरेट जगह हम बन गई क्यों बिलास साहब? सही बात है, पहले दोस्तों के साथ आते थे अभी फैमिली के साथ आना वाला है। तो चलो अभी खाना खा के उसके बाद घर की तरफ निकलते हैं। बाकी आज एक दफा फिर रुंब गए हैं हम लोग, हैं तकिने रुंब गए हैं और टांगे टूट गए और तकदीर ने इतना तंग किया है कि बताऊं। हेलो सो गाइस वेलकम बैक हो गया आप लोगों को और गुड मॉर्निंग हो गया। अभी हम लोग बना रहे हैं गर्मी में नाश्ते, देखो जरा इन बेले बंदों को भेजना। आज वैसे भी सैटरडे का दिन है हफ्ते का, तो आपको पता है बच्चों ने स्कूल जाना नहीं होता और यहाँ पे सोता पार्टी लगी होती। तो अभी मैं जो है ना ब्रेड से इनको फरंगी नाश्ता कराने लगी। वैसे ठीक है, बहुत अच्छी बात नहीं है कि ठीक है डेली ब्रेड से नाश्ता करवाया गया। कौन सा डेली ब्रेड से किया? कल जो है ना तुम लोगों ने पराठे खाए थे, ज्यादा बातें ना करो। पराठे खाए थे ब्रेड से? हाँ जी ब्रेड नहीं खाए थे, पराठे खाए थे, अल्लाह का मानो। अभी भी एविडेंस पड़ी हुई है मुझे। आपको हमारी जो खरीदारी के दिन स्टार्ट है आजकल, क्योंकि हमने जाना है शादी पे पंजाब। कभी इनकी अम्मा की बच्चों की अम्मा की शादी, शादी सॉरी बच्चों की अम्मा की शॉपिंग, कभी बच्चों की शॉपिंग, इस तरह के सीन हमारे स्टार्ट। पत्ते बांध के जाएंगे, समझ नहीं आई कल कोट पैंट देख रहे बोलते नहीं मुझे समझ नहीं, देख के सब पहन के ट्राई करके बोलते समझ ही नहीं है। तो कोई नहीं लेंगे हम लोग भी, खरीदे जरूर करेंगे, कोई आएगा टाइम ऐसा आएगा तो कर लेंगे ठीक है। अभी तो दिन है क्योंकि इससे पहले पहले शॉपिंग हम लोग ने कंप्लीट करनी है। तो इधर चेक करो जरा हमारी बच्चा पार्टी चेक करो। बच्चा पार्टी चेक करो, बच्चा पार्टी ले ओ मियां, ओ तकी बाबा क्या हो रहा है? कुछ नहीं हो रहा। तो ये सारे बच्चे कार्टून एंजॉय कर रहे हैं और हम गर्मी एंजॉय कर रहे हैं। तो चलो मैं ना अभी घर में पानी पीने का खत्म है, चलो मैं अभी पानी लेके आता हूं ठीक है। फिर उसके बाद आपका अगला सीन दिखाते हैं। अगला सीन दिखाते हैं, हम लास्ट तक चलेंगे है ना, वो दिखाएंगे आपको। और याद आया मैंने अनस्टिच कपड़ों की लेसें भी लेनी थी, वो भी नहीं से। चलो ठीक है कल संडे कर लेना मैं ठीक है। 1 eternity later. देखो गाइस यहां पे इस बंदे का पसीना चेक करो, ये लोग खून पसीना एक करके हमारे लिए कमा के लेके आते हैं। बाहर इतनी गर्मी है उसके अंदर भी ये लोग जा रहे हैं अपने काम पे। जरा चेक करो एक और बोर्ड ना नदियां पाएंगे, एक और बोर्ड सीन होने लगा था। गाइस हमारे साथ एक और सीन होने लगा था, हम जब नाश्ता मैं बना रही थी उस टाइम पे जाना इसके साथ सीन हुआ ये कि ये जो आपको रस्सियां नजर आ रही हैं ये वाली ये रस्सियां वो हमारे नन्हे मियां के गर्दन में इस तरह से फंदा बन गया था। देखो ऐसे ना ये उसकी गर्दन में ऐसे आया, ऐसे दरवाजे के ऊपर लटका था, इधर इस जगह पे लटका हुआ था, अचानक उसका ऐसे आया पीछे और उसके सर पे ये भी लगी और फंदा से उसकी ये जो पांव है थोड़े हल्के से ना उठ गए थे। तो उसके ये देखो उसकी गर्दन के ऊपर निशान भी पड़ गया, अल्लाह ताला ने बचाया है कि हम लोग। ये देखो जरा, ये देखो रेड रेड निशान पड़ा हुआ है, सारी इतना लॉस टाइप का पड़ा हुआ सारा रेड करके लाइन नहीं है वो पड़ी हुई है। तो आप लोगों के घर पे ऐसा कुछ भी सीन अगर हो तो अपने बच्चों की सेफ्टी के लिए आप पहले से वो चीजें हटा दो। मैं तो मतलब लेकर आई थी शोबाजी के लिए, अच्छा लगता है, मगर ये तो भाई बच्चों के लिए बहुत नुकसान दे है। एक बड़ा काम खराब हुआ था ठीक है, साफ करो जाहिर सी बात है ये इधर 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 दिखाओ ना, एक तो इतने प्यार मोहब्बत से तुम्हारा मुँह साफ कर रही हूँ, ऊपर से कदर ही नहीं है हम दुपट्टे से कर रही हूँ। अब ये ना बोलना कि मेरा मुँह छील डाला,
ओए मेरा तो दुपट्टा से क्या पसीने से दुपट्टा गीला हो गया गाइस। तो गाइस अभी इन लोगों को हम निकालते हैं ठीक है काम के ऊपर। चलो जी करो आप टाटा और लाफ कुछ पार्टी तक कमा के ले आओ तो फिर सनी शॉपिंग कराओ। बोलेंगे इसकी शॉपिंग खत्म हो गई। मेरी नहीं मेरी शॉपिंग खत्म हो गई अभी नहीं की करनी। जेम का ढक्कन तुम्हारा भाई इधर लेकर आया भाई। ये पड़ा हुआ जेम का ढक्कन ये लो चलो। ये अभी गगड़ी बनी हुई है क्योंकि सुबह सुबह का टाइम है और इसकी दोस्त भी आई हुई है। दोस्त इसकी वैसे ही कैमरा शायद देख के भाग जाती है। चलो जी आप निकलो शाबाश। अल्लाह ताला आपको अपने हिफ्ज़-ओ-अमान में रखे। जाओ ये बाबा 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 का बच्चा अब ये कह रहा है कि भाई मुझे ले जाओ साथ में ठीक है। हाँ कहाँ कह रहे हो तकदीरुलैन निकल गया गाइस। A few moments later. यहाँ पे अब्बा के पाँव में लिपट गया। वो कह रहा है हमें लेके जाओ बाबा। चलो जाओ टाटा हो जाओ। गाइस पहले जमाने की माए संभाल लेती थी। हम जैसे अनाड़ी माओं से ना बच्चे संभालने बहुत मुश्किल हो रहे हैं। यकीन करो आजकल के बच्चे भी बहुत माशाल्लाह से एडवांस है। जहाँ नहीं घुसना होता वहाँ पे ये लोग जाके घुस जाते हैं। क्यों जी ऐसी बात है ना ऐसी बात है क्योंकि जहाँ नहीं घुसना होता वहाँ पे हम घुसते हैं ठीक है। तो जरा एहतियात किया करो मेरे छोने। तू मेरी नन्ही सी दुनिया माशाअल्लाह से अल्लाह ताला तुम्हें सलामत रखे। क्या कितने किन चक्रों में पड़ी है अभी बाहर? इन चक्रों में पड़ी हूं कि गत्ता बेच के जो मैंने अपने अरसे से जमा किया था मेरे ऑनलाइन पार्सल के साथ वो गत्ता आया था तो पैसे मुझे मिलेंगे। तो गाइस वो सामने गत्ते वाला है ये अपनी दिहाड़ी लगाने के चक्कर में ठीक है लेकिन इन्हें मैं दिहाड़ी नहीं लगाने दूंगा। ये पैसा आप उनका होगा ठीक है। ये अपन के पैसे से सारी चीजें आती है। जायदाद खरीदनी है क्यों नहीं भाई? ये गत्ते वाले जो पैसे ना लेके ठीक है बचपन के दिन याद आते हैं। नहीं बचपन हमारा भी गुजरा है हमें भी याद कर लेना। तुम्हारा बचपन तुमसे छोटी हूँ मैं ठीक है तो इस चक्कर में मुझे मिली। मेरी बात है तुम कितने की छोटी हो मुझसे? मैं क्यों बताऊँ कितनी छोटी मगर छोटी हूँ मैं। कितने साल क्यों बताऊँ? नहीं बताओ तुम्हें कितना कैलकुलेशन करनी है। मैंने कहा पूछो तो आप तो बताओ ये कितने साल मेरे से छोटी है ठीक है। सब यही बोलेंगे बड़ी लगती है आपसे अम्मा लगती है आपको मगर ऐसी बात नहीं ठीक है। हमारे बच्चों की अम्मा है ये ना। बाकी ये पैसे आपको नहीं मिलने वाले मैं आपको बता दूं पहले से। मैं ले लूंगी मैं रात को हांडी नहीं बनाऊंगी आगे तुम बात। अच्छा यार ले लेना ठीक है ले लेना पैसे तुम देना ठीक है। अभी वो बंदा ठीक है वेट कर रहा है उसने हमें पैसे देने हैं या नहीं देने पता चल जाएगा ठीक है। नहीं मैं कितने देने कितने नहीं अभी देखो। बाकी आप लोगों ने अगर बचपन में इस तरह के पैसे ठीक है खाए हैं तो बताइएगा कमेंट में। बाकी हमें तो बहुत मजा आता है आप लोग हैं जाके पापड़ खा के। यकीन तो हमें तो बहुत मजा आता था ठीक है जब कोई इस तरह का लत्ता मत्ता बेच देना अखीर ही मजा आता था ठीक है। भाई किस किस ने ठीक है बचपन में इस तरह के लत्ता बेच के पैसे कमाए हैं कमेंट में जरूर बताना। मुझे गत्ता मैंने बचपन में नहीं बेचा ना मैंने ऐसे पैसे लिए अम्मी अम्मी वगैरह। अब ये मीर ये मीरती है मगर अभी हस्बैंड से खींच के पैसे लेने का बहुत मजा आता है ठीक है। मतलब मियां लोग को लूटो अपने सही है। हां तो मियां लोग शादी क्यों करते लूटने के लिए सही। शॉपिंग मियां से करो खाने भी बार मियां से करो और गत्ते के पैसे भी मियां से लो। जिम्मेदारी लगाई है आप लोगों ने। देखो हम लोग शिकारी हैं हम लोग घर पे बैठे होते हैं मजदूर जाके काम करते हैं यार। तो देख लो गाइस हम लोग मजदूर है मजदूर तो मजदूरों के लिए एक लाइक मिलता है और ये तो पैदा भी मजदूर डे पे हुए थे इसके लिए दो लाइक। मेरे तो डबल लाइक हो गए सही है। तो सारे नहीं डबल एक ही लाइक कीजिएगा डबल लाइक किया तो अनलाइक हो जाएगा। सब्सक्राइब कर देना ठीक है। बंदा आ चुका है देखते हैं कितने पैसे में दे रहा है। हाँ भाई मियाँ कितना पैसा बना है, है? हैं ये देखो भी माशाल्लाह से मैं रकम दे रहा हूँ। मोटी रकम देना 60 रुपए ये क्या? नहीं यार अब ऐसे नहीं 100 रुपया थे बाज तो अबे बाज तो अबे 100 रुपया अबे बोतलें इतनी थी अबे इतनी बोतलें मैंने दी हैं हैं। अभी ये क्या दीता ये क्या सीन है ये तो ये भी ठीक है तो इसने ले लिए तो बाकी इतने पैसे बनते थे 60 रुपए तो चलो इसने 60 रुपए दिए चलो इतने काफी है ठीक है। बाकी भाई तू कमा लेना चाहिए। बाकी गाइस मैंने गत्ता भी दिया बोतलें भर के दिए बाकी 60 रुपए दे चलो ठीक है लाइक हो गया ठीक है। 60 भी चलेंगे वो 60 रुपए भी ठीक है ये लोग लेंगे। चलो चलो सही ठीक है बाय 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 बाय। तो गाइस 5-10 मिनट के लिए मेरी आंख क्या लगी यहाँ पे मेरे घर का हाल देखो। ये देखो ये अखाड़ा खोला हुआ इन्होंने ये नीचे से ले गई है नन्हे मियाँ ने बकरे तपाइयाँ मारी हुई है। क्या कर रहे हो कौन सा गेम खेल रहे हो? सारे सोफे की गद्दियाँ खराब कर दी हैं क्या कर रहे हो? क्या मसला है? ये देखो दौरे दौड़े में सही करनी है। ये देखो ये आज हमने बैंगन बनाने हैं तो ये नन्हे मियाँ आज कटौती करेंगे इसके कटाई करेंगे बैंगन की। ऐ वेख्या जी ने परात है मैं थोड़े सिर च मैं इंज करके मारनी है। चलो चलो जाओ मैं बता रही हूँ फौरन से चीखा टमाटर। चलो ओ छोटी बांदरी चल साइड पे हो चलो जाके बैठ कंगी कर। चलो तुम उसके पास सारी चीज़ें उठाओ सारी चीज़ें मुझे समेटी भी चाहिए। पकड़ो तुम ये ब्रश उठाओ ब्रश उठाओ अपने बाल बनाओ। चलो हर टाइम झल्ली बनी घूम रही होती है। चलो तुम भी चलो सारी जगह मुझे साफ चाहिए। हाँ पसीने से बाल भर गए एक तो इतनी गर्मी है ऊपर से भाग भाग के खेल रहे हैं घर से बाहर नहीं गए तो घर के अंदर अखाड़े बनाते हैं। ठीक करो जल्दी पूरा कमरा मुझे सेट चाहिए। मेरे बाल हो रहे। तो गाइस इन्होंने तो कर दिया वैसे हर चीज का हाल बेहाल
ठीक है आप चुप करके जरा समझते हैं क्या फरमा रहे हैं। मुझे साजन देख लो इनकी, ये देख लो हरकतें, एक साजन के गर्दन में फंसा ना तुम लोगों को पता चल गया। ये तो ना रद्दी हो गया मेरे ख्याल में, या मैं सोच रही हूँ कि इसको वो पीछे जाना उधर लगा लेते हैं। इसको रख के आओ इधर, रखो सोफे के कवर। तो गाइस इनके पीछे लग के मैं जो है ना घर की साफ सफाई करवाऊँ, क्योंकि इन्होंने बिखेड़ा डाला है तो यही सेट करेंगे। देखेंगे ये मोहतरमा को कौन से दौरे पड़े हैं नहीं पता, ये यहाँ पे देख ले पूरा घर इन्होंने जो है ट्रेन बना के दोनों बहन भाई भाग रहे हैं। तो गाइस इन्हीं से इनका बिखेड़ा साफ करवाती हूँ मैं, और आप लोगों से लेते हैं इजाजत। अगर आज का ब्लॉग आप लोगों को पसंद आया तो कर दीजिएगा लाइक, चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब किए बिना बिल्कुल मत जाइएगा। फिर मुलाकात होगी कल के नए ब्लॉग में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।